वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्तोस वर्ल्ड। आप सबको स्वागत है एक बार फिर से दीप्तोस वर्ल्ड में, जहाँ पे आज मैं लेके आया हूँ एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो, और ये गार्डनिंग वाला अनबॉक्सिंग वीडियो ही है। तो आप लोग आज मुझे देख पाएंगे एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ पे आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूँ एक नया वाला प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग, जो पेड़ पौधों से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेजाइल आइटम दिस साइड आप। तो ये फ्रेजाइल कोई आइटम ऐसा ही है, लाइव प्लांट्स प्लीज हैंडल विथ केयर। तो ये जो है यहाँ पे मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑर्किड्स। मैंने आप लोग शायद देख चुके होंगे रिसेंटली ऑनलाइन पे, फेसबुक पे, हर कहीं पे सोशल नेटवर्किंग साइट में, जहाँ पे आप लोगों को दिखाई में देगा एक साइट का नाम जो है कि clickorchid.com। और मैंने रिसेंटली यहाँ से ख़रीदे हैं कुछ डेंड्रोबियम ऑर्किड्स, तीनों डेंड्रोबियम ऑर्किड्स मैंने ख़रीदे हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैं खोल रहा हूँ वो बॉक्स जिसमें है। तो इन लोगों का बात अच्छा रिव्यू मैंने देखा था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया यहाँ से। ये शिपिंग वाला जो है, ये है टोटल बिलिंग इनवॉइस। एंड यहाँ पे एक इन लोगों ने डाला है एक ऑर्किड्स का फंगीसाइड है एक, और एक है ऑर्किड्स का फर्टिलाइजर, और इसमें है वेलकम किट्स, कुछ थैंक यू लेटर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और क्या क्या करना है यहाँ पे, क्या क्या है इसमें, ये लिखा है। तो ये हो गया किट का फर्टिलाइजर्स, एंड ये है फंगीसाइड्स जो मुझे इस्तेमाल करना है ऑर्किड्स के लिए। तो इसे भी रख देते हैं यहाँ पे। तो आज अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे और एक प्रोटेक्शन डाला हुआ है, इसके अंदर है छोटा छोटा ऑर्किड्स। किधर गया, सब दिखाई देगा यहाँ पे, धीरे धीरे सब दिखाई देगा। तो ये आ गया, मैंने सिबलिंग्स खरीदे थे कुछ, जो छोटा छोटा पौधे बोलता है जिसको हिंदी में। तो ये बच्चा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा ऑर्किड्स मुझे मिला है। दिखने में कैसा है दिखते हैं खोल के आप लोगों के सामने ही। मैंने तीनों कलर्स के ऑर्डर किए थे, एक वाइट वाला, एक पिंक वाला, और एक जो है ये देखिए बहुत सुंदर सा है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। ये लगभग एक साल लग जाएगा शायद इसको उगाने में, ठीक है। तो ये एक आ गया, ये है स्नो वाइट वाला, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे। और दूसरे वाला मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ अभी, दूसरा वाला है यहाँ पे, ये आ गया वाइट वाला। और दूसरे वाला में है शायद पिंक वाला होगा, इसका बहुत सुंदर सा है गेटअप इसका, और पूरा पौधा ही अच्छा है दिखने में। ये येलो वाला है, गोल्ड, प्योर गोल्ड येलो जो है, इसका जो रूट्स जो है ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। और तीसरा वाला आइटम जो है वो होगा पिंक वाला, पिंक या पर्पल वाला होगा शायद, ठीक से याद नहीं, मैं खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी बहुत बढ़िया है, और ये जो सिबलिंग्स है ये भी साइज में बहुत बड़ा है, ये इसका भी साइज बहुत बड़ा है। ये पिंक वाला है डेंडोबियम सकुड़ा पिंक, इसका जो वैरायटी है, इसका भी ग्रोथ, रूट्स का ग्रोथ अच्छा ही है, ठीक है। तो ये पौधा देखिए आप लोग, बहुत अच्छा पौधा है। और ये हो गया मेरा अनबॉक्सिंग ऑर्किड्स वाला अनबॉक्सिंग, जो मैंने रिसेंटली खरीदे थे clickorchid.com से। और ये आया है, मैं वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला हूँ, नॉर्थ 24 परगना में, और ये आया है सिलीगुड़ी से। तो
ये दार्जिलिंग गार्डन वाला जो एक दार्जिलिंग गार्डन नाम का एक क्या नर्सरी है, ऑर्किड, जो लोग ऑर्किड सेल करते हैं, तो वहाँ से आया है ये, सिलीगुड़ी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड अगली बार मिलेंगे इन लोगों को जब रिपोर्टिंग करेंगे, तो कैसे पोर्टिंग करना पड़ता है और क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है उसके साथ मिलेंगे नया एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।